बॉक्स ऑफिस पर पिछले एक डेढ़ महीने में जहां सलमान खान की ट्यूबलाइट और शाहरुख खान की जब हैरी मेट सेजल जैसी फिल्मों ने दम तोड़ दिया, वहीं अक्षय कुमार की कम बजट की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा फर्राटा मार रही है। इस फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड में 51 करोड़ 45 लाख की कमाई कर ली है और बाहुबली 2 के बाद पहली फिल्म है जो सुपरहिट होने की ओर बढ़ रही है। शुक्रवार को एवरेज ओपनिंग लेने के बाद इस फिल्म ने शनिवार को अपने टोटल कलेक्शन में जबरदस्त इजाफा किया। श्री नारायण सिंह निर्देशित इस फिल्म ने शुक्रवार को 13 करोड़ 10 लाख की ओपनिंग ली थी, जबकि 12 अगस्त शनिवार को इसके कलेक्शन में जबरदस्त उछाल आया और इसने 17 करोड़ 10 लाख रुपए का कारोबार किया। रविवार को इसका कलेक्शन और भी बढ़ा। रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को इस फिल्म ने 21 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन करते हुए अपने पहले वीकेंड्स में 51 करोड़ 45 लाख रुपए की टोटल कमाई कर ली। टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म स्वच्छता अभियान को समर्पित फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ भूमि पेडनेकर लीड रोल में है और इसमें काफी मनोरंजक ढंग से संदेश दिया गया है। टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म को लेकर अधिकतर क्रिटिक्स की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है और माउथ पब्लिसिटी से भी फिल्म को काफी सहारा मिला है। यही वजह है कि इससे अच्छी उम्मीद की जा रही है और माना जा रहा है कि ओपनिंग वीक में ये फिल्म 100 करोड़ रुपए तक की कमाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।